गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 10 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 32। फलन दिया है fx बराबर log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx बाई x। x बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, तो f 0 का मान निकालें ताकि fx x बराबर 0 पर संतत हो जाए। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है, यह फंक्शन अगर x की जगह 0 रखेंगे ना यहाँ पे, तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा, परिभाषित नहीं होगा। तो एफ जीरो का हमें मान निकालना है ताकि फंक्शन जो है एक्स बराबर जीरो पर संतत हो जाए। तो एक्स बराबर जीरो पर इस फंक्शन एफ एक्स को संतत होने के लिए एफ जीरो परिभाषित होना चाहिए, यानी कि एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर परिभाषित होना चाहिए। और फिर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का अस्तित्व होना चाहिए, और यह जो वैल्यू है एफ जीरो के बराबर होना चाहिए, तब वह संतत होता है। तो जब संतत दिया है यहाँ पे संतत होने के लिए, तो ये कंडीशन हो सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स को, तो यहाँ से होगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, लॉग वन प्लस ए एक्स माइनस लॉग वन माइनस बी एक्स और बटा में एक्स। पहले इसका लिमिट निकालते हैं, तो यहाँ अलग अलग x लगा देते हैं। लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस ए एक्स बटा एक्स, ठीक है, और फिर माइनस लॉग वन माइनस बी एक्स बटा में x। ऐसे कर सकते हैं, दोनों में अलग अलग लिमिट यहाँ लगाते हैं, अलग अलग लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट x टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस ए एक्स बटा में x माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन माइनस बी एक्स बटा में एक्स। ठीक है, अच्छा एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं क्लास 11th में ही, मैं लिख दे रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स बटा में एक्स बराबर होता है वन, तो यही हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस ए एक्स है, तो यहाँ ए से भाग करना होगा और ए से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि यहाँ सेम आ जाए, देख रहे हैं ना, एक्स एक्स है। उसी तरह से माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस, माइनस ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस का बी एक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, तो यहाँ माइनस बी से इंटू करेंगे एक्स में और डिवाइड कर दिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब देखो इसका वैल्यू इसके अकॉर्डिंग वन हो जाएगा, तो वन इंटू ए, और इसका भी वैल्यू वन, वन इंटू माइनस का बी, यानी कि यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो यह इसका अस्तित्व हो रहा है ना जी, इसके लिमिट का, ऊपर जो हम लोग लिमिट निकाले एफ एक्स का, उसका अस्तित्व हो रहा है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है आर से, कोई रियल वैल्यू आ रहा है, ये भी कोई रियल नंबर है यहाँ पे, तो बिलोंग कर रहा है आर से, यानी कि यहाँ इसका अस्तित्व हो रहा है। चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर संतत है, संतत होना चाहिए ना, तो संतत है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स बराबर होना चाहिए किसके, एफ जीरो के। ठीक है, संतत होने के लिए ना होता है जी, तो इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू ए प्लस बी है, तो हमने एफ जीरो बराबर निकाल दिया ए प्लस बी, यानी कि एफ जीरो का वैल्यू ए प्लस बी होगा, तब फंक्शन एफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर संतत होगा। चलिए अगला